नमस्कार, आप सबको हमारे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए अब हम लोग चर्चा करें, एक मेडिसिन पर चर्चा करेंगे। होम्योपैथिक मेडिसिन जो लाइसिन है, इसी पर चर्चा करेंगे। वीडियो पूरा देखने का प्रयास करिएगा ताकि समझ सके और ज़रूरत पर लाभ उठा सके। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं वो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और दूसरों को शेयर करिए ताकि और अच्छे से उत्साहित होकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो सकूँ। देखिए, ऐसा करने से तो आप लोगों को खर्चा नहीं लगता है, थोड़ा इसमें कंजूसी मत करिए सब्सक्राइब लाइक करने में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, लाइसिन के पेशेंट को ऐसा लगता है कि उस पर अत्याचार किया जा रहा है, उसको सताया जा रहा है, उसके ऊपर तरह तरह से अत्याचार हो रहा है, अटैक हो रहा है, एबूस किया जा रहा है उसको। और करने वाले भी क्या हैं, कौन है? घर के लोग ही हैं जिन पर वह निर्भर है। अब बच्चा है तो सोचेगा कि हमारे जो बड़े लोग हैं वो हम पर अत्याचार कर रहे हैं। कोई स्त्री है तो सोचेगा कि सास ससुर पति हम पर अत्याचार कर रहे हैं। पेशेंट सोचेगा कि डॉक्टर हमको ऊपर अत्याचार कर रहा है। तरह तरह से उसको लगेगा कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। और अत्याचार करने वाले वही लोग हैं जिन पर मैं निर्भर हूँ, वही लोग हम पर अत्याचार कर रहे हैं, ऐसा फील होता है उसको। दूसरे लोग नहीं आए, अपने ही लोग आए। तो जब उस पर अत्याचार होता है तो क्या लगता है? अत्याचार होता है, एबूस होता है कि हमको एबूस किया जा रहा है। एबूस का मतलब क्या हुआ? एबूस का मतलब हुआ किसी वस्तु को बुरे या गलत ढंग से प्रयोग करना, जैसे क्षमता से बेसी उपयोग लेना। अब लाइसिन का पेशेंट होता लगेगा कि भाई हमको भाई थकल हैं, तो रेस्ट लेने का मन कर रहा है, लेकिन वो बोल ए हमारे लिए खाना बना दो, हमारे लिए वो कर दो, अब उसको करना पड़ रहा है। तो उस सब अवस्था में लगता है कि हमारे पर अत्याचार हो रहा है, उसको अब करने का क्षमता नहीं है तो भी उपयोग किया जा रहा है उसका। गाली गलौज करना ये भी एबूस है। गाली गलौज इतना करते हुए भी गाली गलौज लंद फंद उसको सुनना पड़ रहा है, तो इस तरह से लगता है कि हमको एबूस किया जा रहा है, हम पर अटैक किया जा रहा है। और करने वाले कौन है? अपने हैं। तो अब ऐसा जिसको किया जाएगा तो क्या होगा? उसको तो खीस वगैरह होगा भाई, खीस होगा, एंगर भी, इसको भी क्रोध होता है, लगता है कि हाँ हम भी बोल देते, ये कर देते, वो कर देते, लगता है। लेकिन एक कुछ करती नहीं है, कुछ नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? तो इन्हीं लोग पर तो निर्भर है, करेंगे तो मेरा अवस्था जो है सो तो और खराब हो जाएगा ना। ऐसा यदि इन लोग पर निर्भर हैं तो यदि इन्हीं लोग पर तो निर्भर हैं तो यदि हम कर देते हैं तो ये लोग हमको कुछ करने नहीं करेंगे और हमको ऊपर अत्याचार करेंगे, अत्याचार मेरा बढ़ जाएगा मेरे ऊपर, तो क्या होगा? और हमको सफर करना पड़ेगा और हम पर अत्याचार होगा और कष्ट होगा, मेरा जो समस्या है वो बढ़ जाएगा। तो इससे संबंधित कुछ रूब्रिक है। एक और रूब्रिक है उसमें, उसको लगता है कि डेलूजन रॉन्ग सफर, आज जो मेरी अवस्था है, जो बीमारी है, से मेरे ऊपर ये जो सफर कर रहा हूँ मैं, से दूसरे की गलती कर रहा। माँ बाप थे बचपन में, यदि हमारा बढ़िया से इलाज करा देते तो आज बीमारियाँ इन्हें ना होता। बचपन में माए बाप थे तो बढ़िया से हमको देख रेख करते तो आज बीमारी नहीं होता हमको, आज ही समस्या में हमको पढ़ना नहीं पड़ता होता। पर उनके माँ बाप के चलते हम सफर कर रहे हैं आज, ऐसा भी होता है, बोलता है। तो ये हुआ लेकिन तो भी उसका मुंह नहीं खोल पाता है, बोल नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि दूसरे पर निर्भर है, इन्हीं लोग पर तो निर्भर हैं तो अवस्था तो मेरा और खराब कर देंगे। इसे संबंधित रूबरी खाए डेलूजन डू नथिंग ही कुड डू, माने वह इतना सहने के लिए वो बाध्य है, सहने के सिवाय उसके पास कोई रास्ता नहीं है, सहने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है, इसलिए सहने के लिए बाध्य है, कुछ नहीं कर सकता है, इन्हीं पर निर्भर है। दूसरा इससे संबंधित रूब्रिक है डेलूजन्स माउथ कैन नॉट ओपन लोअर जा स्टीफ एंड पेनफुल, बोले तो बोले कैसे, मेरा जो लोअर जा जो है
पेनफुल है, अस्टीफ हो गया है, जकड़ गया है, उसमें बोलने से और दर्द होगा। बोले तो कैसे दर्द होगा, मतलब क्या हुआ? मतलब है कि हम यदि बोल देते हैं तो मेरा अवस्था तो और खराब हो जाएगा ना, इन्हीं लोग पर तो निर्भर हैं, कैसे बोले, बोल देंगे तो और ये लोग हमको देखना फेंकना जो देख रहे हैं जो कर रहे हैं सब तो बंद हो जाएगा मेरा। दूसरा रूबरिक है कट मल्टीलेट स्लिट अदर्स डिजायर टू, लगता है कि हम भी मैंने इनको काटते मरते ये सब कर देते नोचते, लेकिन डिजायर इसको है वो कर नहीं पाता, करता नहीं है। किल डिजायर को होता है, मर देने की इच्छा होती है, अटैक करने का अटैक अदर्स डिजायर को में भी लाइसेंस है, उस पर अटैक करने का इच्छा तो होती है, करता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे पर निर्भर है, उन पर निर्भर है जिन पर उसको जिस जो लोग उस पर अत्याचार किए हैं। तो ये सब एक लाइसेंस की अवस्था है। तो बात है कि ऐसा नहीं है कि इतने अवस्था है उसका है लाइसेंस क्या, और बहुत दूसरा अवस्था है कई एक अवस्था है जिसमें उस क्या होता है वो दूसरा को ये भी करता है, गाली गलौज जो सुनता है उसको सुना भी देता है, ये भी अवस्था है, चीज़ों को फेंकने लगता है, तोड़फोड़ करने लगता है, ये सब ये अवस्था है इसका है। तो ये एक अवस्था हुआ लाइसेंस का, और वो अवस्था भी है लाइसेंस का, तो वो जो अवस्था है उस पर बाद में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अब इजाज़त दीजिए, अब दूसरे वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।